until the way I have in charge of MP listed. वन नेशन वन इलेक्शन और ये मुल्क में मुमकिन है, जानिए मुकम्मल तफसीलात सिर्फ और सिर्फ 99 टीवी पर। एक तवील अरसे के बाद मुल्क भर में गुज़िश्ता रोज अचानक वन नेशन वन इलेक्शन की खबरें मीडिया और सोशल मीडिया के सामने आई है। इस सिलसिले में मोदी हुकूमत ने साबिक़ सदर रामनाथ कोविंद की क़यादत में एक कमेटी भी तश्कील दे दी है ताकि मुल्क भर में एक वक्त असेंबली और पार्लियामेंट के इंतखाबात करवाने का जायजा लिया जा सके। दर हकीकत वन नेशन वन इलेक्शन का इनेकाद हमारे मुल्क में कोई नई बात नहीं है। 1952 में पहले आम इंतखाबात से शुरू होकर 1967 तक लोकसभा और रियासती असेंबलियों के इंतखाबात ज़्यादातर एक साथ होते थे। ताहम मुस्तकम हुकूमतों की अदम तश्कील और मुकर्रर तकरीर से पहले कई रियासतें असेंबली को तहवील करने की वजह से बेक वक्त असेंबली और पार्लियामेंट के इंतखाबात पटरी से उतर गए। इसके साथ ही लोकसभा और असेंबली के अलग अलग इंतखाबात शुरू होंगे। मुल्क भर में एक साथ तमाम रियासतों को इंतखाबात कराने के लिए बहुत से रियासती असेंबलियों को जल्द तहलील करना पड़ेगा और बाज़ असेंबलियों को मुद्दत बढ़ाने की ज़रूरत पड़ सकती है। इसलिए मुल्क भर में बेक वक्त इंतखाबात कराने के लिए मुतालिका बिल को पहली पार्लियामेंट से मंजूर करना होगा।